हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम ईवीएस का क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑलरेडी मैंने आपको 8 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 29 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हो। अगर पॉसिबल है तो 30 आउट ऑफ 30 लेके आएँ, क्योंकि आपको 15 नंबर यहाँ पे याद करने से मिल जाएगा और 15 नंबर आपको पैडागॉजी से मिल जाएगा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ये आपका सबसे इजी वाला पार्ट होता है। ईवीएस में स्कोर करना आसान होता है, ठीक है, जैसा मुझे फील होता है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मुझे भी लगा कि ईवीएस एज़ कम्पेयर टू अदर, चाहे वो इंग्लिश की पैडागोजी हो चाहे वो हिंदी की पैडागोजी हो, लेकिन ईवीएस बहुत इजी होता है। इसकी पैडागोजी भी इजी होती है और इसका जो 15 मार्क्स का एनसीईआरटी का होता है वो भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी सीडीपी भी आसान होता है, नंबर आपका जो डायरेक्ट होता है। हिंदी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ रीड करना बहुत ज़्यादा टाइम लिख टेकिंग हो जाता है, और आप ऑनलाइन मोड में देंगे ना तो एक तरफ से आप थोड़ी नर्वसनेस होगी, जल्दी जल्दी आप नहीं देख सकते हो। लेकिन आप क्या करना, जो ये जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उसको आप स्ट्रॉन्ग बना के जाएँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन विच हेल्प हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो एक एनिमल है जो अपने कानों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जो कि उसको हेल्प कर रहा है साउंड को परसीव करने के लिए, साउंड को रिसीव कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये टाइगर आता है, टाइगर यहाँ पे टाइगर होता है, ठीक है। ये इसको हिंदी में कहते हैं बाघ, ठीक है। तो टाइगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बताती जा रही हूँ। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी तो दूसरा ज़रूर मैं हिंदी में बताऊँगी, ठीक है। तो उस कार्य कलाप को चुनिए या अन्य कार्यकलापों से भिन्न, यानी जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि चाय बनाना, टी मेकिंग, स्विमिंग, कंघी करना, हेयर कॉम्बिंग एंड नीडिंग, मैंने गूंथना होता है आटा को गूंथना। तो अगर आपको इसमें ऑड जो है उसको अलग करना है, जो भिन्न है डिफरेंट है, तो आपको पहले तो चाय बनाने में क्या ज़रूरत होती है, वाटर। ये आपके माइंड का, अगर आपके माइंड में ये थोड़ा सा भी अगर आता है कि तैरने में भी क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है, आटा गूंथने में भी वाटर की ज़रूरत होती है, कंघी करने में कंघी की ज़रूरत होगी ना कि पानी का, शैम्पू करने के लिए पूछता तो अगर आप ज़रूर पानी लगा देते, लेकिन यहाँ पे हेयर कॉम्बिंग जो है, कंघी करना, ये डिफरेंट है। तो इसके साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम शक्कर खोरा को सनबर्ड कहते हैं, ठीक है। सनबर्ड अपनी जो नेक्स्ट होता है उसको पेड़ की झाड़ियों में बनाता है। इसमें ये बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, घास, कपड़े के टुकड़े से बना होता है इसका नेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, छोटे पतली के जो पेड़ की डाली पर लटका घोंसला होता है, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, ये सब होता है। तो ये पहला जो जाएगा ये फोर्थ के साथ जाएगा, ठीक है, ओके। कोयल जो होता है ये नेक्स्ट नहीं बनाती, अपना घोंसला नहीं बनाती, ये जाके किसी और के घोंसले में या कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो ये पहला हो गया बी का पहला, ठीक है, ओके। कलचिड़ी को हम क्या कहते हैं, इसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, इंडियन रॉबिन होता है इसको, रॉबिन कहते हैं। तो ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़े, बाल, रोई बिछी होनी चाहिए उसके घोंसले में। तो ये अगर आप देखें तो सी आपका सेकंड के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, इसको दर्जिन या टेलर बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये सिलाई करती है, जिसकी पत्तियों की झाड़ियों पर तो पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला होता है, तो इसको टेलर बर्ड नाम दिया गया है। तो डी आपका थर्ड हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, जहाँ भी बी वन होगा, ए फोर्थ होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे
अगर आपको एक पता है तो इसमें देखिए बी में ऐसा कहीं भी नहीं है, तो बी में ही वन है इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमिनेट करना आप सीख जाएंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनीमिया जो पेशेंट होते हैं जिनमें आयरन की कमी, ब्लड अरे ब्लड सेल्स की कमी होती है, तो उन कंडीशन को कहते हैं, तो उसमें क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पालक, गुड़, आंवला वाली चीज़ें खाएं। तो तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिनमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में है, आयरन जो एलिमेंट होता है तो बहुत होता है, तो पालक में होता है, गुड़ में होता है, आंवला में होता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश देख लीजिए, स्पिनाच, जैगरी और आंवला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द लेशन ऑफ द क्लास 5th बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, जो फार्मर प्रेसिडेंट है उन जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया है ये, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इसको हिंदी में कहते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आपका आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो एक कार है जो कि एक डिस्टेंस को कवर कर रही है, कितने डिस्टेंस को, 1512 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, कितने घंटे में, 28 घंटे में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, स्पीड निकाले, तो स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस जो है एंड जितना घंटा लगे, 18, यानी दूरी बटे समय कह सकते हैं। दूरी अगर 1512 है और आपका डिस्टेंस अगर 28, सॉरी घंटा अगर इतना है, इसको अगर हम घंटे में ही अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 1000 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो दो दो 60 की ज़रूरत होगी, 60 60 × 28। तो अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे करती हूँ, पहले तो 1512 को हम डिवाइड कर देते हैं 28 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 54, ठीक है, 54 आपका, लेकिन यहाँ पे आपको किलोमीटर में आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये किलोमीटर और आवर्स में आंसर होगा। अब इसको हमें मिनट और सेकंड में बदलना है, तो 24 यहाँ पे, हाँ ये into 1000, 54,000, 54 × 1000 60 60 3600, 2020 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 550 हो जाएगा, 550/36 आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 15, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो राइट आंसर आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है, शेल्टर से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं स्टार इस तरीके से आपको बना के बता रही हूँ। तो हमारे देश में एक राज्य है, में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया, मतलब एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया गया कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, इनकी लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग, जो फर्श होता है वो जमीन से लगभग 3.5 या 3 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की दीवारों भी लकड़ी की बनी होती है, यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छत समांतर ढालू होता है, यह कौन सा राज्य है? तो ये असम राज्य में होता है, ठीक है। यहाँ पे बांस का प्रयोग किया जाता है मकानों को ऊपर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के साइड में जितने भी आपके राज्य हैं जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, तो जिनके समुद्र बंगाल की खाड़ी पे हैं वो कौन कौन से आते हैं। अगर आपने देखा होगा मैप में, तो इस तरीके से इंडिया का इधर मैप है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपको पहले तो तमिलनाडु मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा, तो ये तीनों जो हैं इसी में आते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ग्राम सभा या पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है, तब लॉटरी लगती है, तो उसके बाद भूमि को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फील्ड को, इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट होता है जिसे टिन कहते हैं, तो टिन का उपयोग किया जाता है, इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है, यानी टिन का यहाँ पे अर्थ क्या है,
तो ये टिन का अर्थ है भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बो सकता है। ठीक है, एक यूनिट का मतलब यूनिट का होता है कि एक वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती जो होती है। झूम खेती होती है मिजोरम में, और झूम की खेती के अंतर्गत सॉरी झारखंड के किसानों द्वारा। हाँ, झूम की खेती, यहाँ झारखंड की बात हो रही है। तो झूम की खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कथन दिए गए हैं झूम खेती के बारे में सही है या गलत है आपको पहचानना है। तो एक फसल कटने के पश्चात जमीन जो होता है कुछ वर्षों तक उसको आराम आराम कर देते हैं, यानी उसको आराम देते हैं, उस पर कुछ हम फसल नहीं उगाते। ये बात सही है, झूम खेती से पहले किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे खर पतवार बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला दिया जाता है। नहीं, इसमें कुछ उखाड़ा नहीं जाता है। और खर पतवार जो होते हैं राख खाद के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी, और सॉरी डी नहीं सही है। गहराई तक नहीं जोता जाता, ऊपर से जोता जाता है। ठीक है, जब जमीन खेती होती है तो उसमें बोने के लिए गहराई, यहाँ पे आ गया ना, गहराई तक नहीं जोताई होती है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी डिगिंग उतनी नहीं की जाती है। तो ए और सी इज़ द राइट आंसर, बी गलत है। तो ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। झूम खेती के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे या ब्रॉन्ज की बनी हुई वस्तुएं जैसे कि बर्तन मूर्ति आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे या ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से जो ब्रॉन्ज है सॉरी ब्रॉन्ज है उसका सर्वश्रेष्ठ कथन कौन सा, उसके बारे में सबसे उचित स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है कि आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्युमिनियम कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है। नहीं, कांसा जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। नहीं, जो ब्रॉन्ज होता है ये तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। तो ये यानी कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट ऐसे देता है, वो सेंटेंस में पूछता है तो आपको आसान लगेगा। लेकिन ये देख रहे हैं तो आप पहले इसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि एक यहाँ पे स्टडी है, इस टेबल को पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की बिटवीन टू स्टेशन जैसे कि गांधीधाम और सूरत, यहाँ से गांधी स्पीड क्या है। तो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब आपको यहाँ पे देखिए सूरत और गांधीधाम जाने से पहले डिपार्चर टाइम दिया है 6:15। 6:15 का मतलब होगा यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम। एएम पीएम नहीं, जब देखते हैं ना कि 12 बजे के बाद 13 बजा देते हैं, 14 बजा देते हैं, इस तरीके का, तब पीएम मानेंगे, एएम मानेंगे हमेशा। ठीक है, एएम मानेंगे। तो 6:15 पे एक ट्रेन निकल रही है कहाँ से, गांधीधाम जो कि गुजरात में है। 6:15 से ये सूरत पहुँचती है। सूरत ये 6:16:15, 16:15 का मतलब होता है 4:15 पे पहुँचती है। अब आप देखिए कि 6:15 से 6:15 ये शाम को ही पहुँच जा रही है। ठीक है, ये एएम से निकल रही है, शाम को उसी दिन डेट को पहुँच जा रही है। तो 6:15 से 6:15 12 घंटा होता है, लेकिन ये 2 घंटा पहले ही पहुंच गए, तो 12 में 2 निकाल देंगे तो 10 घंटा लगा उसको, 10 आवर्स लगा। अब आपको दिया है दूरी इतनी, ठीक है, 5 किलोमीटर में दिया है, 530, 10 लगा लीजिए आप। ठीक है, तो ये कट हो गया 0, 53 किलोमीटर/घंटा हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। देखिए कितना आसान था ये, एक नंबर फ्री का मिल जाएगा ऐसे करके मेरे बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम, या इत्र के लिए कन्नौज फेमस होता है, फेमस है। ये जो कन्नौज है कौन से राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो कन्नौज वासी होंगे उनको पता होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मैथ्स लिया उनको भी आता होगा, या फिर जिन्होंने आर्ट्स लिया उनको नहीं आता होगा, उनको भी आता हो सकता है, आता होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। तो स्टडी रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे दिया है। जैसे कि ऑयल है, डीजल है, पहले ये 2020 में इसकी रेट जो थी 81 रुपये का बिकता था, फिर ये 2021 में इसके दाम में, इसकी रेट में वृद्धि हुई, ये 90 रुपये 72 पैसे रुपये बिकने लगा। पेट्रोल की कीमत पहले 92 रुपया था, अब ये 102 रुपये 12 पैसे के रूप में बिकने लगा। तो पहले तो अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, वृद्धि कितनी हुई इसको देखिए। तो 81 से अगर 92 90 करेंगे तो आपका देखेंगे कितना बन रहा है, हाँ 9 रुपये 72 पैसा आपका ये बढ़ा है इसका दाम, ठीक है, डीजल का। और इसमें आपका सीधे सीधे आपका कितना बन रहा है, 10 रुपये 12 पैसे बढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है, जितना बढ़ा है उसको यहाँ पे लिखिए, डीजल के लिए है ये, ठीक है, 72 लिखिए, और उसके बाद डिवाइडेड बाई जितना उसका ओरिजिनल प्राइस था पहले 81, और उसके बाद आपको इंटू 100 करना है, ठीक है। 100 करने के बाद आप देखेंगे 972 हो गया और 81 हो गया, तो ये कटेगा 9 से, 9 9 9 9 81 9, और 108 हो जाएगा, हाँ 9 9 81 81, और अगर इसको करेंगे, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट, तो करने के बाद आपका, एक सेकेंड, कितना आया था, 972 था, और उसके बाद से आपका आया था 81, तो ये आपका 108 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो 12% की वृद्धि आपकी डीजल में हुई। पेट्रोल का भी इसी तरीके से करेंगे, तो पेट्रोल में हमने देखा 10.12 वृद्धि हुई और इंटू 100, तो ये 1012 हो गया, और इसमें आपका पहला 92 हो गया, 92, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1000, हाँ एक सेकेंड, 12 डिवाइडेड बाई 92, 11 आएगा, इसको करेंगे तो 11 आएगा, तो 11% की वृद्धि होती है। इस तरीके से आपको ये करना है, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, यानी पूर्णिमा के दिन, इसको फुल मून डे या पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भारत में, तो इस दिन होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ठीक है, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणाएं कॉन्सेप्ट ना बने। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता है, विशेषता के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया, उसकी विशेषता क्या है जो प्राइमरी लेवल पर ध्यान रखकर बनाई जाती है ईवीएस की। तो प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय ना बन सके। महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएँ पाठ्यपुस्तक में दी जाती हैं, और ऐसे प्रत्येक जो कम आयु के विद्यार्थियों को ना समझ आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, तो उनको एज अ जो चैप्टर है उसको इंट्रोडक्टरी की तरह दिया गया, इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्टरी लेवल का दिया गया, उसको हाईर लेवल की तरह नहीं दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। हिंदी नहीं समझ आती तो इंग्लिश खोल के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, साइड में रहता है इंग्लिश हिंदी चेंज करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, सामुदायिक संसाधन या कम्युनिटी रिसोर्स जो होता है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन या रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि यह सस्ता होता है नहीं, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं नहीं, ये अनुभवों को सीखने का अवसर देता है, तो बच्चे एक्सपीरियंस द्वारा सीखते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास फिफ्थ के ईवीएस के विद्यार्थी ने अनुमान लगाया कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने दानों की आवश्यकता होती है। अनुमान का मतलब होता है प्रेडिक्शन। तो इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया का विकास हो रहा है, कौन सी कौशल का विकास हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेडिक्शन का विकास हो रहा है, बच्चा प्रेडिक्ट कर रहा है, तो प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाने की कौशल का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ,
पेड़ पौधों एवं पशु परिवार व मित्र नामक थीम का हिस्सा है, तो इस प्रकार के स्थापन का कारण है, ठीक है, या प्लेसमेंट का कारण है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे व पशु अपने परिवार का हिस्सा माने, ये भी सही है। पेड़ पौधे और पशु के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता को विकसित करना, ये भी सही है। उन्हें उन रूढ़िवाद धारणाओं को उतरना जिनके अनुसार पेड़ पौधे हमारे हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें पेड़ को अपना पौधा मतलब ये माने कि हमारी फैमिली की तरह है और उनके उनके प्रति जो संवेदनशील हो जाए बच्चे, ठीक है, ये इसका थीम का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल इट इज टू इनेबल स्टूडेंट्स, यानी प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो बच्चों को इनेबल करता है। इनेबल का मतलब है यहाँ पे कि योग्य बनाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, एक्वायर स्किल टू कैरी आउट एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली टू सेव द एनवायरमेंट, एक्वायर एनवायरमेंटल कंसेप्ट फॉर स्टडी एट अपर लेवल नहीं, और हेल्प स्टूडेंट टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी उनको ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने जो स्कूल में सीख रहे हैं उसको अपने बाहरी दुनिया से जोड़ सके, ठीक है। तो जब भी विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना होता है, इसलिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में कोई भी ऐसा ईवीएस का टेक्स्ट बुक नहीं है, सजेस्ट नहीं किया है, निर्धारित नहीं किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त कारण क्या हो सकता है कि ईवीएस टेक्स्ट बुक्स मेक्स द स्कूल बैग हैवियर फॉर चिल्ड्रन, नो, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड डू नॉट अंडरस्टैंड ईवीएस इजिली, नो, ये भी गलत है। ईवीएस इज एन इंटीग्रेटेड विद द लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, तो क्या है ये इंटीग्रेटेड है किसके साथ, लैंग्वेज और भाषा और गणित के साथ एकीकृत हो किया गया है इसको, ठीक है, इसलिए यही रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू सेंसिटाइज स्टूडेंट टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स और पेड़ और पौधों के संरक्षण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त नीति होगी, एज अ टीचर आप कौन सा सबसे अच्छा नीति प्रयोग करेंगे, विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉन्ग्स, तो आप एक गोदान में विजिट कराएंगे जहाँ पे लकड़ी के लट्ठों को रखा गया है, ओके, ये सही हो सकता है। राइटिंग पोस्टर टू सेव फॉरेस्ट और कटिंग, ये तो गलत है। रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन फॉरेस्ट, इसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा। अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, तो बेसिकली बी को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी आपका सारा आंसर हो जाएगा, ए सी डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षक के लिए यानी एक ईवीएस का टीचर है, तो विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है, यानी बच्चों का मूल्यांकन करने, विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी पद्धति सही हो, मतलब यहाँ पे टीचर की नहीं बच्चों की इवेल्युएशन की बात हो रही है, तो मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता नहीं, और शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक को अपनी शिक्षण में अनुकूल हो, इसमें नहीं, शिक्षक की तो बात ही नहीं है, बच्चे की बात हो रही है। परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए गए सर्व सामान्य टेस्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों उसकी शिक्षा प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, ठीक है, जो बच्चे को पढ़ाया है टीचर ने वही उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर तैयार करे, बच्चों का इवेल्युएशन उसी के अकॉर्डिंग करे, तो ये सही हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए, यानी बच्चा और स्ट्रांगली सीखे, ठीक है, और उसका जो कंसेप्ट है और डेवलप हो जाए। तो अगर बच्चा, अगर आपने पढ़ा दिया उसको, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे कि वो आपस में उस चीज़ को शेयर करे,
तो घर पर किए गए क्रियाकलाप द्वारा वो बच्चे में ज़्यादा वो स्ट्रांगली वो फिट नहीं होगा। शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्ट्रगल नहीं, शिक्षक थोड़ी है, यहाँ पे बच्चा केंद्रित है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो कक्षा में आपसी विचार विमर्श करने का मौका दे, तो इससे बच्चे में वो दृढ़ होगा जो भी सिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होना चाहिए, मतलब प्रामाणिक सीखने की बच्चों का आकलन करने के लिए होता है। पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर, तिमाही टेस्ट नहीं होता है, दत्तकार्य नोटबुक वगैरह से आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो में बच्चों के व्यवहार आदि का लिस्ट होता है, तो पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने के लिए, आपको ये टॉपिक बताना है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये थीम है। तो पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो स्ट्रेटजी है या रिसोर्स है वो अधिक उपयोगी होगा, तो किसी ऐसे ऐतिहासिक भवन का भ्रमण कराना, उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावों पर चर्चा करना, ये तो बहुत ईजी है, इसको नहीं मान सकते। संदर्भ पुस्तकों से भिन्न प्रकार के बर्तनों को, ये पुस्तक वाला तो है ही नहीं बिल्कुल। खेती से संबंधित प्रकार के औजारों आकृतियों विद्यार्थियों के साझा करना, आकृति से कोई लेना देना नहीं, आप जाइए बच्चे को विजिट करवाइए, आपको देखिए उसका निर्माण कैसा है, तब ये आपको चैप्टर समझ आएगा। तो ये चैप्टर का ये कहना है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड लर्न अबाउट देयर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जानता है, देन मूव ऑन फैमिली ट्रीज, उसके बाद वो फैमिली ट्री के बारे में जानता है इन क्लास फोर्थ, ठीक है, एंड टू द आइडिया ऑफ फैमिली इंट्रैक्शन इन क्लास फाइव, यानी फैमिली में उसको किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है उसका आइडिया लग जाता है। द करिकुलम अप्रोच इन दिस थीम इज, तो ये कौन सा अप्रोच है, मतलब कौन सा करिकुलम में ये कौन सा अप्रोच यूज़ हो रहा है, तो लोकल टू ग्लोबल हो रहा है, लोकल टू ग्लोबल, पहले अपने परिवार से सीख के स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आप अपने परिवार के लोगों के बारे में जाना, उसके बाद इंट्रैक्शन जाना, फिर ये समाज में कैसे इंट्रैक्शन होता है, फिर ये अपने देश में जानेगा, इस तरीके से स्थानिक से वैश्विक होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन की पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए, तो अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, ये भी सही है, छात्रों का पर्यावरण सजगता, यहाँ अध्यापक की बात हो रही है, यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही कि बच्चा एक्ट सजगता हम ध्यान देंगे, यहाँ पे अध्यापक को क्या करना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य होता है लेसन प्लान बनाने में, ठीक है, प्रमुख अवधारणों को प्रक्रिया कौशल सामान्य उद्देश्य, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बी को एलिमिनेट करने के बाद आपने लेसन प्लान खुद बनाया होगा, तो ए सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड है यानी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको आपको ईवीएस पढ़ाना है, तो आप कौन सी नीति का प्रयोग करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे आप, प्रिपेयर ऑडियो लेसन, येस, अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो ये भी सही है। यूज टेक्टाइल मटेरियल और लार्ज प्रिंट्स, प्रिंट्स वगैरह तो कुछ नहीं काम कर सकते हैं, तो ये कट कर दीजिए। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट विद अ सिंपल डायग्राम एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, टेक्टाइल मटेरियल और लार्ज प्रिंट हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हाँ हम ओके, हाँ मुझे लगा ये प्रिंट, हाँ टेक्टाइल मटेरियल है तो उसको टच कर सकता है ना, तो ये भी जाएगा। एक्सप्लेनिंग करना आप विद सिंपल डायग्राम और कंक्रीट ऑब्जेक्ट से आप एक्सप्लेन करोगे तो ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद से मेक द ईवीएस लेसन एज मच एज कॉन्क्रीट एज पॉसिबल, तो कॉन्क्रीट नहीं दिखा, जरूरी नहीं है उसको समझ आए, तो आपको क्या करना है, विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको ऐसे टेक्टाइल मटेरियल का जो उसको टच फील कर सके, प्रिपेयर ऑडियो लेसन ये सही है, एक्सप्लेनिंग ये गलत है, मेक द ईवीएस लेसन मच कॉन्क्रीट एज पॉसिबल, तो उसको कॉन्क्रीट बनाइए, यानी उसको कॉन्क्रीट होगा तो उसको सामने उसको टच फील कर सकता है, ठीक है, तो डी आंसर सही होगा, ए बी डी।
डायग्राम से कुछ नहीं होता है, ठीक है? डायग्राम दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? 89 की बात करें तो इसमें क्या है, 89 पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ सलीम वॉन्ट्स टू टेक स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लासेज ऑन द फील्ड विजिट, मतलब सलीम है, टीचर होगा ऑब्वियसली, तो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट को वो क्या, हाँ, एक फील्ड विजिट पे ले जाएं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, तो उनको एक फील्ड विजिट पे लेके जाना चाहता है। वाइल टीचिंग द थीम वाटर, जब वो वाटर यानी पानी के बारे में वो पढ़ा रहा है, तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइट विल बी ही सेलेक्ट, तो कौन सा ऐसा साइट है उसे चूज़ करना चाहिए। तो पानी के बारे में बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स की जगह लेके जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जोहड़ क्या होता है, जोहड़ जो होता है ना, ये जोहड़ कहते हैं जैसे, हाँ, जोहड़ जो होता है ना, ये राजस्थान एक पॉन्ड जैसा होता है, तालाब जैसा। बावड़ी जो होती है ना, स्टेप वेल को कहते हैं, जो सीढ़ियाँ बनी होती है क्यारी जैसा। खेजड़ी नहीं, खेजड़ी गलत है, खेजड़ी तो एक प्लांट होता है जो रेगिस्तान में रहता है, ठीक है? तो अगर आपको दिखाना है तो ए बी सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? ए बी सी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है यहीं पे ख़त्म होता है, एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर ले, आपको हेल्प करेगा वो। और एग्ज़ाम से पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का, एक बार पढ़ के जाएँ। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।